तो आज हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। देखिए जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है वो क्या करता है और उसको क्यों यूज लिया जाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को सबसे पहले हम यूज में लेते हैं टू एम्पलीफाई डीसी सिग्नल अलोंग विथ एसी सिग्नल। फर्स्ट ये है कि हम डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करना चाहते हैं इसलिए हम डायरेक्ट कपल को यूज लेते हैं। इसमें डीसी सिग्नल ब्लॉक नहीं होके डीसी सिग्नल भी एम्पलीफाई होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है, हम जानते हैं ये ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर में ये करंट होती है आईबी बेस करंट, ये होती है आईसी, और हमें ये पता है कि जो आईसी करंट होती है उसकी वैल्यू होती है बीटा आईबी प्लस ICO 1 प्लस बीटा। हम ये जानते हैं कि इस जो ये करंट की इक्वेशन है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये डीसी पार्ट होता है इसमें, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। जब हम आरसी कपलिंग काम में लेते हैं, आरसी जो कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, उसमें ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। जबकि जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है क्योंकि वो डीसी को ब्लॉक नहीं करता है इसलिए ये वाला पार्ट रिमूव नहीं होता है। तो जब ये पार्ट रिमूव नहीं होता है तो उस केस में जो आउटपुट है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए जो आउटपुट होता है या जो गेन है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जब गेन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट प्रॉब्लम। ड्रिफ्ट प्रॉब्लम तो ये कहलाती है ड्रिफ्ट प्रॉब्लम। ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर पे जो गेन डिपेंडेंट हो जाता है, जो डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर होते हैं उसमें जो गेन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसको हम ड्रिफ्ट प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम जो इसमें अरेंजमेंट करते हैं, जो एम्पलीफायर काम में लेते हैं, उसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये कैसे करते हैं, देखिए देखिए ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपन कैसे काम में लेते हैं। वी वन, दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बीजेटी, इस पर वोल्टेज है वी टू, इनका जो आउटपुट आ रहा है वो है आई सी वन प्लस आई सी ओ वन प्लस बीटा। सिमिलरली इसका आउटपुट है आई सी टू प्लस आई सी ओ वन प्लस बीटा। हम चाहते हैं कि हम इस पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इस ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक डिफरेंस करने के लिए इनका डिफरेंस लेते हैं हम, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आउटपुट में मिलता है वो आपको मिलता है आई सी वन माइनस आई सी टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन माइनस वी टू। तो ये एक अरेंजमेंट हम करते हैं टू रिमूव ड्रिफ्ट प्रॉब्लम। तो जो ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट है मैंने एक इसको सिंबॉलिक बताया है, इसका इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसका एक प्रॉपर डायग्राम और बनता है,
उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एक कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ा जाता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है उसके लिए हम कुछ ब्रीफिंग कर सकते हैं कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, तो इट एम्पलीफाइज डीसी अलोंग विथ एसी। फर्स्ट वाइडली यूज एज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर किधर यूज होता है? थर्ड है इसमें कि जो अलग अलग स्टेजेज होती है उनके बीच में कोई डीसी आइसोलेशन नहीं होता है। कैस्केड में जो अलग अलग स्टेजेज होती है इनके बीच में नो डीसी आइसोलेशन, कोई डीसी का आइसोलेशन नहीं होता है। नो डीसी आइसोलेशन, जब डीसी का आइसोलेशन नहीं होता है तो ये जो एम्पलीफायर होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इस टाइप के जो एम्पलीफायर है इसमें ड्रिफ्ट प्रॉब्लम भी होती है, और ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम में लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम डायरेक्ट एम्पलीफायर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैस्कोड एम्पलीफायर। कैस्कोड एम्पलीफायर, देखिए कैस्कोड क्या होता है? कैस्कोड होता है सीई कॉमन एमिटर फॉलोड बाय सीबी कॉमन बेस। एक्चुअली ये हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया है जिसमें हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर की खूबियों को इंक्लूड करना चाहते हैं। इसमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की भी खूबियाँ हैं और उसके साथ में कॉमन बेस की भी कुछ फीचर है इसमें। तो कैस्कोड कैसे बनता है? उसमें कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। इसमें ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और इसके जो कलेक्टर है इससे आपको एक कॉमन बेस एम्पलीफायर कनेक्टेड है। तो ये जो है ये कॉमन एमिटर है और ये वाला जो है ये है कॉमन बेस। इस प्रकार के एम्पलीफायर को हम कैस्कोड एम्पलीफायर कहते हैं। सेम इसी तरीके से कैस्कोड एम्पलीफायर की कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि अगर हम FET में बात करें तो CS कॉमन सोर्स फॉलोड बाय कॉमन गेट, इसको भी हम कैस्कोड एम्पलीफायर ही कहते हैं। तो कॉमन सोर्स और उसके बाद में कॉमन गेट एम्पलीफायर को कैस्कोड एम्पलीफायर कहेंगे। अगर इसका हम सिस्टमेटिक पूरा डायग्राम बनाए विद बायसिंग तो वो डायग्राम कैसे बनता है? VCC, RL, Q2, Q1, R1, R2 and R3। यहाँ हमने एक कैपेसिटर इसमें ग्राउंड कर रखा है और यहाँ पे वोल्टेज देते हैं V1। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऊपर वाला
ये है कॉमन बेस में, और जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये है कॉमन एमिटर में। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो V1 अप्लाई किया जाता है, ये इनपुट जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इन केस अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगा हुए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये नहीं लगा और हमने यहाँ पे कोई इनपुट अप्लाई किया, तो इस इनपुट का जो इफेक्ट होता है, इस इनपुट का जो इफेक्ट होता है इस उसके कारण से यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज चेंज होता है। तो इसका जो बेस है, इसकी जो एमिटर है, उस पर भी वोल्टेज चेंज होता है। तो ये जो बेस B2 है, इस पर भी वोल्टेज चेंज होगा, और जब इस पर वोल्टेज चेंज होगा तो इसका आउटपुट हमें मिलता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया और उसके कारण से यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज हुआ उसके कारण से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये एक गलत चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे हम एक कैपेसिटर या जेनर डायोड लगाते हैं यहाँ पे। उससे क्या होता है कि जब यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया जाता है, ये इनपुट V1 हम यहाँ अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो इसका जो ये जो फर्स्ट स्टेज है कॉमन एमिटर, इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बनना चाहिए। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि जो स्टेज वन है सी का जो आउटपुट है, सी स्टेज का जो आउटपुट है, दैट मस्ट बी द इनपुट ऑफ सी बी, ये इसका इनपुट बनना चाहिए। अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो उसका इनपुट नहीं बन पाता है प्रॉपरली, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर या जनरेटर लगाते हैं, तो जो सी का आउटपुट होगा वो कॉमन बेस का इनपुट बन जाता है। तो इस तरीके से ये हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस। तो ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। एम्पलीफायर जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें मिली है, तो एक्चुअली होता क्या है, कैस्कोड एम्पलीफायर की जो बेसिक फीचर है वो है हाई गेन, मॉडरेटली हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई आउटपुट इम्पीडेंस, हाई बैंडविड्थ। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन बेस से पहले हम बात करते हैं कैस्कोड की। कैस्कोड की बेसिक क्वालिटीज है हाई गेन, मॉडरेटली हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई आउटपुट इम्पीडेंस, हाई बैंडविड्थ, ये इसके बेसिक फीचर है। ये सारे ऐसे बेसिक फीचर है जो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से ज़्यादा होते हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में ये सारे गुण नहीं मिलते हैं, इसलिए हम कैस्कोड एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। देखिए इसमें जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, सी बी जो एम्पलीफायर होता है, इसके गुड फीचर ये है, इसके बढ़िया फीचर ये है कि इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, इसकी बैंडविड्थ बहुत ही लार्ज होती है। परंतु इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है। तो एक्चुअली क्या होता है जो इनपुट, और जबकि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ इतनी लार्ज नहीं होती है, तो हम इन दोनों स्टेज को मिक्स करके जो कैस्कोड एम्पलीफायर बनता है उसकी बैंडविड्थ लार्ज हो जाती है और गेन भी हाई हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस भी हाई हो जाता है। ये सब हम इन दोनों के गुण उसमें मिल जाते हैं, इसीलिए कैस्कोड एम्पलीफायर को ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब देखिए ये कैसे होता है, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, सीबी एम्पलीफायर होता है, उसके अंदर मिलर इफेक्ट नहीं होता है। मिलर इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ग्राउंडेड बेस होता है, अपने बेस को कॉमन बेस है तो बेस को हमने ग्राउंड कर दिया है,
जब बेस ग्राउंडेड होता है तो कलेक्टर से एमिटर पे कोई भी फीडबैक नहीं जा पाता है, कलेक्टर से एमिटर पे कोई भी फीडबैक नहीं जा पाता है, इसलिए मिलर इफेक्ट इसमें नहीं होता है। जबकि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसमें मिलर इफेक्ट होता है। तो इस मिलर इफेक्ट को कम करने के लिए हम इन दोनों स्टेज को एक साथ में काम लेते हैं। तो हम इस टाइप से काम लेते हैं, CE प्लस CB, पहले CE फॉलोड बाय CB। तो नेक्स्ट हम इसमें चर्चा करेंगे ट्रांसकंडक्टेंस की। कैस्केड जो एम्पलीफायर हम पढ़ रहे थे, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांस कंडक्टेंस की। देखिए, जैसा अभी हमने देखा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फॉलोड बाय कॉमन बेस एम्पलीफायर। आउटपुट करंट या फर्स्ट स्टेज की आउटपुट करंट IO1 है, यहाँ पे IO2 है, कॉमन एमिटर कॉमन बेस। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट है ये कॉमन एमिटर वाला, इसके लिए जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो है GM1 कॉमन एमिटर के लिए, और कॉमन बेस के लिए है GM2। यहाँ हम देखते हैं कि दो स्टेजेज हैं, GM1 फॉलोड बाय GM2। यहाँ पे जो अप्लाई किया जा रहा है वोल्टेज वो है VS, और यहाँ आउटपुट जो मिल रहा है वो है करंट I आउट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल GM होगा वो होगा GM1 इंटू GM2। हाँ, पर ये अगर हम ये मानते हैं कि GM1 into GM2 ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हम, इसे हमें डिराइव करना पड़ेगा। कैसे? फॉर कॉमन बेस, कॉमन बेस के लिए हम जानते हैं जो करंट गेन होता है वो होता है I आउटपुट अपॉन I इनपुट, या सॉरी IO1 प्लस टू अल्फा। GM जो होता है ये होता है V आउटपुट बाई VS, आउटपुट बाई आउटपुट करंट बाई इनपुट वोल्टेज। ऊपर नीचे IO1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, IO1 ऊपर भी IO1 से मल्टीप्लाई करने पे VS, ये जो है ये अल्फा के इक्वल है, और ये जो है ये GM1 के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा और ये बन जाएगा GM1। आपके कुल मिला के आ जाता है जी एम इक्वल्स टू अल्फा जी एम वन, या अगर हम बीटा के रूप में चेंज करें तो बीटा अपॉन बीटा प्लस वन जी एम वन। तो हमें फाइनली ये मिलता है, ये आउटपुट है। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली वन, ये वन के इक्वल होता है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जी एम इच अप्रोक्सीमेटली इक्व टू जी एम वन। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, जी एम इच इक्व टू जी एम वन।